ताइवान में एक बार फिर धरती कांप उठी है। भूकंप के झटकों ने ताइवान को झकझोर कर रख दिया है। देश के पूर्वी तट पर सोमवार यानी 22 अप्रैल शाम 5 बजे से आधी रात के बीच 80 से ज्यादा झटके महसूस किए गए। ये इतना घातक था कि सबसे तेज झटके 6.3 और 6 तीव्रता के थे। भारतीय समय के अनुसार सोमवार देर रात लगभग 2:26 और 2:32 ये दोनों शक्तिशाली झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र हुलियन काउंटी में जमीन से 5.5 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। भूकंप के झटकों के कारण हुलियन में 2 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई, जिनमें से एक पूरी तरह ढह गई और तो और दूसरी सड़क की ओर झुक गई। ताइवान में भूकंप इतनी तेज था कि चीन, जापान और फिलीपींस में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इन भूकंप के झटकों में जानमाल के नुकसान की खबर अभी तक नहीं आई है। जिन इमारतों में भूकंप के नुकसान हुए हैं उनमें होटल शामिल हैं। हालांकि अभी ये दोनों इमारतें खाली थी और इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। इस महीने ताइवान में ये दूसरा मौका है जब भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले 3 अप्रैल को देश में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। 20 दिन पहले आए इस भूकंप का केंद्र भी ताइवान का हुलियन शहर ही था। इस भूकंप में देश की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा था। कई लोग मलबे के नीचे दब गए थे। बाद में बचाव कर्मियों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला था। 3 अप्रैल को ताइवान में आए भूकंप के बाद 2 भारतीयों के लापता होने की खबर भी आई थी। हालांकि बाद में वे सुरक्षित पाए गए थे। बता दें कि ताइवान को भूकंप के झटकों के प्रति संवेदनशील माना जाता है। यहां अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। दरअसल ताइवान एक ऐसा देश है जो टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर स्थित है। यही वजह है कि यहां पर भूकंप का खतरा बना रहता है। इससे पहले साल 1999 में यहां आए भूकंप में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.6 मापी गई थी। साल 2016 में भी ताइवान में एक शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।